हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें, इडुकी में, इडुकी से ये बड़ी खबर है जहां पर भूस्खलन की वजह से कई लोग मलबे में फंसे हुए थे। और देखिए केरल के मुन्नार से ये बड़ी खबर आ रही है, मुन्नार में लैंडस्लाइड की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है और मलबे में अभी भी 80 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। भूस्खलन हुआ था, 3 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया था और इडुकी में और मुन्नार में मलबे में कई लोगों के फंसे होने की सूचना अभी भी मिल रही है। देखिए केरल के मुन्नार में लैंडस्लाइड में 10 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, 10 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी कई लोग भूस्खलन में मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनको तलाश किया जा रहा है, उनको जल्द रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, केरल के मुन्नार से ये बड़ी खबर है जहां पर 50 सदस्यों की रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो गई है, जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश है। और केरल के इडुक्की में भी भूस्खलन से तबाही हुई है और अब तक भूस्खलन से 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, केरल के मुन्नार में 10 लोगों की मौत हो गई है, मलबे में 80 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और 50 सदस्यों की रेस्क्यू टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई है ताकि जल्द से जल्द जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया जा सके। और इडुक्की में भी लोग फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने की कोशिशें लगातार जारी है और 3 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया था कि वहां पर इस तरह की कुछ घटनाएं हो सकती हैं। और देखिए भूस्खलन के बाद 10 लोगों की मौत हो गई मुन्नार में और 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई इडुक्की में। पिंकी राजपुरोहित जुड़ गई हमारे साथ, पिंकी क्या मिल रही है पूरी जानकारी? पिंकी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या पिंकी तक आवाज नहीं पहुंच रही? उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि मौसम भी वहां पर खराब है और लगातार पिंकी हम तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन फिलहाल तकनीकी खामी की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। उनसे फिर जुड़ेंगे और पूरा अपडेट लेंगे वहां पर क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, जरूरी मदद वहां पर पहुंची कि नहीं अभी तक लोगों तक। और देखिए जो ताजा जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अब तक 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है और मलबे में 80 लोगों के दबे होने की खबर है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हालांकि 50 सदस्यों की रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो गई है लेकिन मौसम भी वहां पर खराब है, जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन के बाद मुन्नार की अगर बात करें तो 10 लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। और इडुक्की की बात करें, वहां पर भी 7 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और मलबे में लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है, उनको ढूंढकर निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको सुरक्षित बचाया जा सके। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सर, देखिए भूस्खलन के बाद किस तरह से वहां पर तबाही हुई, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ हो गया, जो मकान थे कई मकान जद में आ गए और मिट्टी का ढेर देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरह से भूस्खलन हुआ होगा वहां पर। और उसके बाद लोग जो वहां पर रहने वाले थे तो तमाम लोग उसमें फंस गए, 10 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई और अभी भी काफी लोग मलबे में फंसे हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है, उनकी तलाश की जा रही है, उनकी तलाश करने के लिए रेस्क्यू टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई है। तस्वीरें देखिए, जो तमाम मकान थे वो मलबे की जद में आ गए, भूस्खलन की जद में आ गए, इक्का दुक्का मकान ही वहां पर बचे हुए हैं और पानी की धार देखिए किस तरह से है। और मौसम ने बहुत विकराल रूप लिया हुआ है, चारों ओर दिन में ही अंधेरे जैसा माहौल दिखाई दे रहा है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन और कठिन हो जाता है लेकिन तमाम कोशिशें की जा रही है ताकि जो और लोग मलबे में इस वक्त दबे हो उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। केरल के मुन्नार की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा हादसा हुआ है वहां पर भूस्खलन के बाद, किस तरह से चारों ओर बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं पहाड़ों से लुढ़क कर नीचे और उसके उसी मलबे में बहुत सारे लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जो स्थानीय प्रशासन है वो लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है और 50 लोगों की स्पेशल रेस्क्यू टीम भी तत्काल मौके के लिए रवाना कर दी गई है ताकि वहां पर जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बचाया जा सके। मलबे में अभी तक जो जानकारी मिल रही है 80 से ज्यादा लोग वहां पर फंसे हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए लगातार बारिश के बाद किस तरह से भूस्खलन हुआ होगा और तस्वीरें अभी भी दिन में वहां पर अंधेरा दिखाई दे रहा है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी थोड़ा कठिन हो जाता है लेकिन कोशिशें लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस खड़ी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द मलबे से निकाला जाए, उनको एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाए ताकि वो सही वक्त पर अस्पताल पहुंच सके और उनकी जान बच सके, ये कोशिश प्रशासन की तरफ से वहां पर हो रही है। केरल के मुन्नार में यह बड़ा हादसा हुआ है जहां पर भूस्खलन के बाद 10 लोगों की मौत हो गई है और 80 से ज्यादा लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की खबर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केरल के मुन्नार की, लगातार कोशिशें हो रही है, स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद है, वो भी अपने प्रशासन के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये मलबे से निकाला गया है किसी व्यक्ति को और उसको एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं केरल के मुन्नार से जहां पर
प्राकृतिक आपदा की मार की जद में आ गया मुन्नार का ये इलाका, जहां पर तमाम घर भी मौजूद थे और लोग थे बड़ी संख्या में, और वो सब इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है वहां पर, ये जानकारी मिल रही है, और 80 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं मलबे में, जिनको तलाश किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। कोशिश ये है कि उनको जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाया जा सके ताकि उनकी जान बचाई जा सके। केरल के मुन्नार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है और इस वक्त कोशिश हो रही है कि लोगों को बचाया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। लगातार बारिश के बाद भूस्खलन हुआ, पहले भी अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद भूस्खलन हुआ और भूस्खलन का कितना विकराल रूप लिया उसका अंदाजा आप लगाइए। 10 लोगों की तो मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में दबे हुए फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए हर कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उन लोगों को मलबे से निकाला जा सके। तस्वीरें देखिए, पहाड़ कटकर किस तरह से गिरा, पूरा का पूरा मिट्टी का बड़ा सा ढेर, और कई जगहों पर तो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े पहाड़ से लड़कर जमीन पर आ गए और उनकी जद में घर भी आ गए, लोग भी आ गए, और अभी तक 80 लोगों के दबे होने की सूचना है और उनकी तलाश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उनको रेस्क्यू करके अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर।